मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है प्रतियोगी परीक्षा के लिए लघु गणक, जो 12वीं और 11वीं दोनों पढ़ने वाले इसको देख सकते हैं। 11वीं में भी कई जगह पर लघु गणक का उपयोग होता है। लघु गणक वास्तव में घातांक नोटेशन का ही एक दूसरा रूप है। जैसे 2^5 इक्वल टू 32 हम लिखते हैं, तो इसका लॉग नोटेशन यदि हम लिखेंगे तो लॉग 32 बेस 2 इक्वल टू 5। लॉग में एक नंबर होता है जिसका लॉग निकालते हैं, वो किस बेस पे है उसको यहाँ लिखते हैं और उसके इक्वल समथिंग नंबर आता है। तो इनके बीच में यही रिलेशन है, बेस के पावर में इसको करेंगे तो ये आएगा। ये जैसे ये दिया हुआ है, ये लॉग का बेसिक चीज़ है। लॉग का कोई भी क्वेश्चन है वो लगभग इसी से बनेगा। इसके साथ साथ लॉग के आप कुछ फार्मूला पहले देखे होंगे, वो फार्मूला का कुछ मॉडिफाइड रूप। जैसे सिंपल फार्मूला आपने देखा है कि सेम बेस पर यदि लॉग ए प्लस लॉग बी, तो उसी बेस पर ये लॉग ए इंटू बी होगा। लॉग ए माइनस लॉग बी, तो उसी बेस पर ये लॉग ए अपॉन बी होगा। लॉग ए टू पावर एन है तो एन लॉग ए हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा। और बेस चेंज करने का नियम, लॉग बी बेस ए पर है इसमें हम इसको चेंज कर सकते हैं लॉग बी बेस सी पर, फिर हमको लेना पड़ेगा लॉग सी बेस ए पर। ये इसका चेंज करने का नियम है। इस नियम को कई तरीके से देख सकते हैं। जैसे इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर दें इसको, तो ये लॉग बी बेस ए पर इक्वल टू अपॉन लॉग सी बेस ए पर इक्वल टू लॉग बी बेस सी पर। मतलब ये एक नया फार्मूला बन गया कि लॉग बी बेस सी पर है, तो एक नया बेस लेकर के ऊपर में इसका लॉग और नीचे में इसका लॉग लिखा जा सकता है। इसी में यदि हम इस फार्मूला में यदि हम इसको किसी एक को वन बना देते हैं, ए इक्वल टू बी लिख देते हैं। अच्छा, ये देखिए क्या होता है, लॉग बेस ए, ए बेस ए पर वन होता है, क्योंकि ए टू पावर वन इक्वल वन होता है। किसी भी संख्या का उसी के बेस पर लॉग वन होगा। तो यहाँ पर बी की जगह यदि ए डाल दें, बी के जगह ये डाल देते हैं, तो ये वन हो जाएगा। लॉग ए अपॉन लॉग सी बेस ए इक्वल टू लॉग ए बेस सी। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये वन होगा, तो लॉग ए बेस सी पर इक्वल वन अपॉन लॉग सी बेस ए पर। ऐसे ये फार्मूला बन गया कि बेस और नंबर चेंज होगा तो अपॉन में चला जाएगा लॉग। ये एक नया फार्मूला बन गया लॉग का। लॉग का कुछ एक और फार्मूला जो इस पावर पर आधारित है, जैसे कि लॉग ए टू पावर एन है और बेस में बी टू पावर एम है, तो ये नंबर का पावर ऊपर में और बेस का पावर नीचे में आएगा, ये लॉग ए बेस बी बन जाएगा। इस प्रकार एक नया फार्मूला है ये लॉग का। इसमें और कुछ एक नए फार्मूले हो सकते हैं, जैसे जैसे एक और है इसमें फार्मूला ए टू पावर लॉग बी बेस ए, तो ये बी के इक्वल होगा। ए के पावर में लॉग है और उसका बेस ए है, तो वो नंबर ही आ जाएगा इसमें। एक फार्मूला ये है। तो ये सब फार्मूला पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन अब देखते हैं, क्योंकि लॉग तो ऐसे पर्टिकुलर कहीं सिलेबस में देता नहीं है, तो अपने से हम इसमें एक्स्ट्रा 11वीं और 12वीं वालों के लिए एक्स्ट्रा लेक्चर है, जिसमें आपका अवकलन समाकलन आव्यूह सारणिक सब जगह लॉग वगैरह आ जाता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए। इसमें क्वेश्चन है 32 फोर्थ पावर 5 का लघु गुणक। क्वेश्चन है 32 फोर का पावर फिफ्थ, माने फोर का फिफ्थ पावर है का लघु गुणक। लघु गुणक यदि आधार इसका बेस 2√2 हो, ऐसा दिया हुआ है, इसको हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसका लॉग लेना है, आधार में इसको डालना है, तो ये हो जाएगा लॉग 32 फोर टू पावर फिफ्थ पावर, बेस आ जाएगा 2√2 इक्वल टू। अब इसके 2 के पावर के रूप में लिखते हैं तो ये आ जाएगा 32 है वो 2^5, ये 2^2 होगा, तो 2^2 अपॉन 5 फिफ्थ रूट है, तो
बेस में आ जाएगा ये एक पावर और ये आधा पावर, 3/2, 2^3/2। तो अभी कुछ देर पहले जो फार्मूला हमने लिखा था log a टू पावर m b टू पावर n इक्वल टू m अपान n log a बेस b, ऐसे करके इसको लिख लेंगे। पहले पावर भी इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वैसे ये दोनों जुड़ेगा, 5 + 2/5 ऊपर में आएगा, 5 + 2/5 नीचे में 3/2, तो ये log 2 बेस 2 पर हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए एक बार और, 2^5 + 2/5 एंड 2^3/2, तो log 2 बेस 2 पर 1 हो जाएगा। ये 27 हो जाएगा, 27/2 और ये 3/2, 2√2। टू रूट टू करके हो गए ये 4^5, ठीक है, 2^4, 2^5, ये 5, 2^5, 2/5, तो 27/2, 3/2, तो इसकी वैल्यू 9 हो जाएगा। 2 कट जाएगा, 27 से 3 कटेगा तो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संख्या log 2, log 7 बेस 2 पर, ये क्या संख्या है ये जानना है हमको। log 7 बेस 2 पर ये संख्या पूर्णांक है कि अभाज्य है कि परिमेय है कि अपरिमेय है, ये जानना है हमको। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको हम एक से इक्वल मान लेते हैं, log 7 बेस 2 इक्वल टू x, तो 2^x इक्वल टू 7। अब हमको देखना है कि एक से को कोई वैल्यू देने पर वो 7 के इक्वल आ सकता है क्या। यदि 8 इक्वल रहता तो x इक्वल टू 3 हो जाता, पूर्णांक हो जाता, अभाज्य भी हो जाता, लेकिन 2 की घात में क्या डालें कि 7 आएगा। तो देखिए, 2^2 4 आता है, 2^3 8 आता है, तो 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू आएगा, एक से की वैल्यू 2 और 3 के बीच में, तो क्या वह परिमेय रहेगा, क्या वह पूर्णांक, पूर्णांक तो रहेगा नहीं, पूर्णांक तो रहेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि रूट वगैरह के टर्म्स में आएगा ये √2, जैसे √2 होता है, √3 होता है, 3^1/3 होता है, तो ये सब जो संख्याएं होती हैं, ये सब संख्याएं क्या, इनका मान पूर्ण रूप से निकलता नहीं है। 2 का कोई भी पावर आएगा वो फ्रैक्शन में होगा, और फ्रैक्शन में होने की वजह से ये सब अपरिमेय संख्या होती हैं, इसीलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। पूर्ण जैसे क्या है, जैसे यदि हम 8^1/3 निकालें तो ये आ जाएगा 2, लेकिन 7^1/3 निकालेंगे तो ये कम्प्लीट निकलेगा नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरह ये भी 2^x इक्वल टू 7 है, तो ये x जो है अपरिमेय संख्या रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया है log 2 बेस 7 इक्वल टू m, 28/49। log 2 बेस 7 इक्वल टू m गिवन है, हमको वैल्यू निकालना है log 28 बेस 49 पर, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए, ये log 2 बेस 7 के फॉर्म में लाएंगे तब ये बनेगा। इसको हम लिख सकते हैं log 4 इंटू 7, और इसको लिख सकते हैं 49, तो ये आगे हो जाएगा log 4 बेस 49 प्लस log 7 बेस 49। 49 को हम 7 स्क्वायर लिख देते हैं, log 4 7 स्क्वायर प्लस log 7 7 स्क्वायर। अभी जो फार्मूला बताया उसके अनुसार बेस में जो पावर है वो नीचे में आएगा, तो 1/2 log 4, अच्छा इसको 2 स्क्वायर लिख दीजिए, 2 स्क्वायर, तो ये 2 भी आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बेस 7 प्लस 1/2 log 7 बेस 7, तो ये तो वो 2 कट गया, 1 हो गया, और log 2 बेस 7 पर ये m हो गया, और ये log 7 बेस 7 पर 1 हो गया, गिवन के अनुसार m हुआ है, तो ये 1/2, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2m + 1/2 इसकी वैल्यू होगी। इस प्रकार ये इसका वैल्यू हुआ। आगे हम देखते हैं, नीचे कुछ संख्या दिया हुआ है, उस संख्या को बताना है कि
कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, असेंडिंग यानी आरोही क्रम और रोही क्रम, ये सेम संख्या का लॉग है लेकिन बेस चेंज हो रहा है। मतलब अगला क्वेश्चन है लॉग अल्फा बेस टू पे, लॉग अल्फा बेस थ्री पे, लॉग अल्फा बेस ई पर एंड लॉग अल्फा बेस टेन पर। ये हमको दिया गया है, हमको जानना है कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है, या जो अरेंज है ये असेंडिंग ऑर्डर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये जानना है हमको। तो देखिए यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ये संख्या को एक्स मान लूँगा, ये संख्या को वाई, ये संख्या को जेड और ये संख्या को डब्लू। तो जैसे कि लॉग अल्फा बेस टू पर इक्वल टू एक्स है, तो घातांक नोटेशन में लिखेंगे तो टू टू पावर एक्स इक्वल अल्फा आएगा, टू टू पावर एक्स इक्वल अल्फा। यहाँ पर थ्री टू पावर वाई इक्वल टू अल्फा आएगा, यहाँ पर ई टू पावर जेड इक्वल टू अल्फा आएगा, और यहाँ पर टेन टू पावर डब्लू इक्वल टू अल्फा आएगा। मतलब ये जितने पावर की क्वांटिटी हैं वो इक्वल हैं, टू टू पावर एक्स इक्वल टू थ्री टू पावर वाई इक्वल टू ई टू पावर जेड इक्वल टू टेन टू पावर डब्लू। हम इस संख्या को एक्स वाई जेड मान चुके थे, कंपेयर करना है हमको एक्स वाई जेड डब्लू को, एक्स वाई जेड डब्लू को कंपेयर करना है। यहाँ टू के पावर में एक्स कर रहे हैं और यहाँ थ्री के पावर में वाई कर रहे हैं और दोनों बराबर है, ये छोटी संख्या है तो निश्चित रूप से इसकी जो पावर है वो ज़्यादा है इससे, तभी इसके इक्वल है। थ्री टू पावर वाई मतलब ये ज़्यादा बड़ी संख्या का पावर कम पावर और छोटी संख्या का ज़्यादा पावर इक्वल हो सकता है, तो ये इससे ज़्यादा है। अब ई की वैल्यू टू इससे ज़्यादा होता है, ई की वैल्यू टू और थ्री के बीच में होता है, तो ये क्या है कि टू और थ्री के बीच में था, तो जेड जो है इससे क्या है वाई से कम है, जैसे ये इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, लेकिन ये जेड जो है टू और थ्री के बीच में ए की वैल्यू होती है टू पॉइंट समथिंग, तो जेड जो है इससे एक से छोटा है लेकिन वाई से कम है, ये क्या है वाई से कम है। और ये तो 10 की घात में है, मतलब ये और छोटी संख्या सबसे छोटी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या की घात में करने पर इनके बराबर आ रहा है, तो W सबसे छोटा है। तो इस प्रकार मतलब जो पहला संख्या है पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा और चौथे नंबर पे ये आएगा, और ये अवरोही क्रम हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये दिया हुआ है 7 log 16/15, फाइव लॉग ट्वेंटी फाइव, 7 log 16/15, फाइव लॉग 25/24 प्लस एक एक संख्या का अंतर है 3 log 81/80, इसका मान कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये बेस तो सभी का सेम है, बेस सभी का सेम है तो ये किया जा सकता है कि सबको पावर में यदि ले जाएं, सबको पावर में ले जाएं तो फिर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप होगा सामने के अंक को पावर में ले जाना, 16/15 to power 7 प्लस लॉग 25/24 to power 5 एंड प्लस लॉग 81/80 to power 3 ऐसे। अब क्या है कि सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग 16/15 to power 7 लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इक्वल टू लॉग ए इंटू बी इंटू सी। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है तो हम ऐसा फैक्टर देख लेते हैं, जैसे 24 में 8 टू का फैक्टर में से 8 अलग किया जा सकता है, तो इसको भी 8 इंटू 2 लिख देते हैं, इसको 16 लिखेंगे तो ये भी 8 इंटू 2 ऐसा कुछ आ गया, 2 के पावर में कार डाल देते हैं, 3 के पावर में डाल देते हैं और 5 के पावर में डाल देते हैं। ये 2 टू पावर 4 है तो 2 टू पावर 7 4 जा 28 आ जाएगा, और ये 3 इंटू 5 है तो 3 टू पावर 7 इंटू 5 टू पावर 7 आ जाएगा, इंटू ये 5 का स्क्वायर है तो 5 इंटू 5 2 इंटू 5 तो 5 टू पावर 10 ये आ जाएगा, 8 यानी 2 टू पावर 3, 3 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 टू पावर 15 और 3 है तो 3 टू पावर 5
ये 3 to power 4 है, 4 3 12 ऐसे 3 to power 12 अपॉन ये 16 है, 16 मतलब 2 to power 4, 16 into 5 है तो 2 to power 4 और 3 करेंगे 2 to power 12 और 5 to power 3 तो ये हो जाएगा log। देखिए 3 to power 7 एंड 3 to power 5 12 और 3 to power 12 ऊपर में है तो 3 का पावर कैंसिल, 5 to power 7, 5 to power 3 ऊपर में 5 to power 10 तो ये दोनों जुड़ेगा फिर इससे कैंसिल और 2 to power यहाँ 12 है यहाँ 15 है तो 8 को 2 to power 3 लिखेंगे और ये 2 to power 4 तो 12 आया, 2 to power 4 तो ये आ जाएगा 15 plus 12 27 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस प्रकार ये log 2 के इक्वल होगा, log 2 के ये इक्वल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है log 5 देखिए इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। log a base 5 पर इंटू log x बेस a पर इक्वल टू 2, log a बेस 5 पर log x बेस 2 पर सॉरी बेस a पर इक्वल टू 2 तो x की वैल्यू हमको निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें बेस चेंज करने वाला जो फार्मूला बताया था कि log a बेस b पर है तो log a बेस c पर तो हमको log c बेस b पर लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर का बेस सेम है, ये बेस सेम है, इसमें संख्या सेम है तो ये दोनों कैंसिल होकर के ये ऊपर में आ जाएगा नीचे में, तो कुल मिलाकर ये देखिए यहाँ पर संख्या है यहाँ पर उसका बेस है तो ये आ जाएगा log x बेस 5 पर इक्वल टू 2। अब 5 को इधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू 5 to power 2 तो x इक्वल टू 25। ये log के बेसिक डेफिनेशन से ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, log x बेस 10 पर y है, ऐसा क्वेश्चन वैसे कर चुके हैं, log x बेस 10 पर y है तो हमको log x स्क्वायर बेस 1000 पे निकालना है। कौन सा क्वेश्चन है, log x स्क्वायर बेस 1000 पे निकालना है, इसको लिख सकते हैं log x स्क्वायर और ये 10 की घात 3 तो इसका घात ऊपर में इसका घात नीचे में, ये log x बेस 10 तो ये 2y/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी, 2y/3 इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a इक्वल टू log 12 बेस 24, ए बी सी की वैल्यू दिया गया है, a इक्वल टू log 12 बेस 24 b इक्वल गिवन है 24 बेस 36 तो हमको निकालना है, अच्छा c 36 बेस 48 पे, log 36 बेस 48 पे तो हमको निकालना है 1 plus a b c की वैल्यू क्या होगी ये हमको देखना है। तो देखिए इसमें 1 plus a है log 12 24 इंटू log 24 बेस 36 इंटू log 36 बेस 48। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि ये बेस पे है ये पावर पे, तो अब भी जस्ट इसके पहले जो फार्मूला लिखे थे log a बेस b पर इक्वल टू log a बेस c पर इक्वल टू log इंटू log c बेस b पर, ये फार्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा 1 plus log 12 24 और ये 36 कैंसिल हो जाएगा तो log 24 बेस 48 हो जाएगा।
तो एक प्रकार से यहाँ इसका आंसर एसी लिख सकते हैं, वन प्लस एसी भी लिख सकते हैं इसका आंसर। और यहाँ पर देखिए वन प्लस लॉग, इसको दोनों करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 12, ये दोनों बेस 48 हो जाएगा। सेम फार्मूला लगाएंगे, 24 यहाँ है, 24 यहाँ है, तो लॉग 12 बेस 48 पे हो जाएगा। अब और इसको यदि हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस वन को क्या लिखा जा सकता है, इस वन को लिखा जा सकता है लॉग 48 बेस 48 पे, लॉग 12 बेस 48 पे। तो ये आगे हो जाएगा लॉग 48 इंटू 12 बेस 48 पे, ऐसे हो जाएगा। अब इसको क्या किया जा सकता है, 48 इंटू 12 बेस 48 है, और वैसे यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इक्वेशन के रूप में है, लॉग बेस 7 लॉग बेस 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इक्वल 0। लॉग बेस 7 लॉग बेस 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इक्वल 0 है। इसको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है हमको, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले इस लॉग को हटाएंगे, इस लॉग को हटाएंगे तो इसके बेस के पावर में इक्वल वाला लगेगा, मीन्स लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 बेस 5 इक्वल टू 7 टू पावर 0, 7 टू पावर 0 1 होगा। अब इस लॉग को हटाएंगे, इस लॉग को हटाएंगे तो ये 5 के पावर में 1 आएगा, मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 5 टू पावर 1। स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 25, या एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 20 इक्वल 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 20 इक्वल 0। अब इसमें फैक्टर करना है हमको, तो एक प्रकार से दो संख्या है जिसका प्रोडक्ट, तो ये इसका गुणनखंड एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 4 आएगा, ये 5x माइनस 4x से x हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 5 एंड 4, ये ऐसे इसका आंसर आ सकता है। लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शन भी हो सकता है, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन है x इक्वल टू माइनस 5 यदि रखते हैं, x इक्वल टू माइनस 5 यदि रखते हैं तो ये 25 हो जाएगा, ये 5 कट जाएगा, तो 5 टू पावर 2, तो लॉग 2 बेस 7, बेस 7 पे लॉग 2, ये ठीक दोनों आ रहा है वही। आगे देखते हैं, ये दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है थोड़ा लंबा है, लॉग एक्स अपान बी माइनस सी, लॉग पर लॉग वाई सी माइनस ए एंड लॉग जेड ए माइनस बी, ऐसा दिया हुआ है, लॉग एक्स बी माइनस सी इक्वल टू लॉग वाई सी माइनस ए लॉग जेड ए माइनस बी, ये सब इक्वल है। तो हम इसमें क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, बहुत सारे रिजल्ट हैं इसमें, बहुत सारे रिजल्ट निकलेंगे और बनाने का तरीका भी पता चलेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, एम के इक्वल ले लेते हैं, इसको हम एम के इक्वल ले लेते हैं, तो लॉग एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, बी माइनस सी इंटू एम, लॉग वाई इक्वल हो जाएगा सी माइनस ए इंटू एम, एंड लॉग जेड इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी इंटू एम। अब तीनों को ऐड कर देते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड इक्वल टू, इन तीनों में से एम कॉमन ले लेते हैं, तो बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी,
ये सब कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस इधर जीरो आ जाएगा और इधर फार्मूला लगेगा एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। तो जो भी इसका बेस हो, बेस चाहे कि ई है मान लो, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू ई टू पावर जीरो इक्वल टू वन, तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू वन हो जाएगा। आगे इसमें और रिजल्ट वैसे ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ से रिजल्ट देखो, एक्स की पावर लिखेंगे तो इसका ई की पावर लिख देते हैं, बेस को ई मान लेते हैं सबका, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई टू पावर बी माइनस सी इंटू एम, वाई इक्वल टू ई टू पावर सी माइनस ए इंटू एम, जेड इक्वल टू ई टू पावर ए माइनस बी इंटू एम, और ये तीनों को गुणा करेंगे। अच्छा वही रिजल्ट आएगा, अच्छा गुणा करेंगे तब तो वन हो जाएगा। अब हम इसमें और रिजल्ट जैसे देखें तो एक्स टू पावर ए इंटू वाई टू पावर बी इंटू जेड टू पावर सी ऐसा करते हैं, मतलब इसमें ए का गुणा करेंगे इसमें बी का और इसमें सी का, और आपस में गुणा कर देते हैं तो ई टू पावर ए का गुणा करेंगे तो ए बी माइनस ए सी इंटू एम इंटू ई टू पावर, इसमें बी का गुणा करेंगे तो बी सी माइनस ए बी, बी सी माइनस ए बी इंटू एम ई टू पावर, इसमें सी का गुणा करेंगे तो ए सी माइनस बी सी इंटू एम। अब सबके पावर को हम ऐड कर देंगे, एम कॉमन ले लेंगे तो ये ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ऐसे सब कैंसिल हो जाएगा तो ई टू पावर जीरो इक्वल टू वन, तो ये भी वन के इक्वल है। ऐसे इसके बहुत सारे रिजल्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है के उन वास्तविक मानों की संख्या जिनके लिए वास्तविक गुणांकों का समीकरण केवल एक हल रखता है। समीकरण दिया हुआ है, log x बेस 16 होल स्क्वायर, log x बेस 16 होल स्क्वायर माइनस log x बेस 16 और प्लस log k बेस 16 इक्वल जीरो, ऐसा दिया हुआ है। इसमें ये बोला गया है कि ये वास्तविक गुणांक का समीकरण है और ये केवल एक हल लगता है, तो इसका जो चर है log x बेस 16 है इसमें ये वर्ग समीकरण है और केवल एक हल रखता है, तो k का क्या क्या मान हो सकता है इसको हमको जानना है। तो देखिए यहाँ पहले क्या है, समीकरण है और ये वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक हल रखता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक हल कब रखता है, जब होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, जैसे x माइनस टू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल जीरो, तो x माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल जीरो या x इक्वल टू टू, ऐसे तो एक हल रखेगा मतलब वो होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट यहाँ a इक्वल टू वन है, b इक्वल टू माइनस वन है, c इक्वल टू log k बेस 16 है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल जीरो हो जाएगा। बी स्क्वायर मीन्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू log k 16 इक्वल जीरो, तो ये आगे हो जाएगा, ये वन प्लस वन हो जाएगा, फोर log k 16 इक्वल टू वन, तो इसको हम लिख सकते हैं, फोर को इसके पावर में डाल देते हैं, k टू पावर फोर, 16 को टू टू पावर फोर लिख देते हैं इक्वल टू वन। अच्छा फिर बाद में वापस ला रहे हैं, log k बेस 2 इक्वल टू वन, फोर फोर कट जाएगा, तो log k बेस 2 इक्वल टू वन या k इक्वल टू 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 पावर वन इक्वल टू टू, log को घातांक नोटेशन में बदलेंगे तो ऐसा ये होगा। इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बेस चेंज करने वाला ये है, ये है log 2 log 3 log 4 ऐसे करते करते log 100 तक गया है,
और इसके पावर में 100 के पावर में 99 है, इसके पावर में 98 है, इसके पावर में 97 है, इसके पावर में 96 और ऐसे ये गया है 2 तक, 2 या 1 तक, 2 या 1 तक फिर ले जा सकते हैं इसको ऐसे करके 2 to power 1 ऐसे। अब इसका मान हमको निकालना है, इसका मान निकालना है तो देखिए यहाँ पर भी यदि हम देखें इसके पहले लिखाया होगा log 99, सॉरी बेस में नहीं, यहाँ log 99, तो 100 के पावर में ये पूरा नंबर है तो ये सब क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा अच्छा ये सब बेस है, क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिए, ये बेस 2 है, ये बेस 3 है, ये बेस 4 है, ये बेस 99 है, ये बेस 100 है और यहाँ 100 है, ऐसे सब बेस में है। तो देखिए क्या होगा इसमें कि ये 100 टू पावर पूरा यहाँ आएगा, इसका लॉग कहलाएगा, तो लॉग 100 बेस 100 पे 1 हो जाएगा। एक स्टेप सॉल्व करने के बाद ये सब तो रहेगा, यहाँ लिखाएगा 99 टू पावर 98 टू पावर 97 ऐसे और यहाँ बेस 90, नेक्स्ट स्टेप में 98 आएगा तो लॉग 98 रहेगा तो अब ये 1 हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में बेस 98 का जो लॉग है वो 1 हो जाएगा, ऐसे करते करते सब पावर सामने आएगा तो लास्ट में 2 to power 1 बेस 2 आएगा जो 1 के इक्वल है। इस प्रकार लॉग के कुछ क्वेश्चन हमने देखा, निश्चित है रूप से ये आपको अलग अलग चैप्टर सॉल्व करने में सुविधा दिलाएगी। धन्यवाद।